ये नमाज के अरकान में से है और नमाज की रूह है नमाज में अगर सुकून इत्मीनान ना हो खुशु खुजू ना हो तो समझिए कि नमाज जो है बेरूह है जिस तरीके से बग़ैर रूह के जिसमें की कोई हैसियत नहीं है ऐसे ही वो नमाज जिसमें सुकून इत्मीनान ना हो खुशु और खुजू ना हो उस नमाज की कोई हैसियत नहीं है इसीलिए देखें शरीयत ने हमें और आपको एक मुसलमान को नमाजी को ये तालीम दी है कि नमाज से पहले ही वो अपनी ज़रूरतों हाजतों से फारिग हो जाए ऐसा ना हो कि ज़रूरत और हाजत को लिए हुए नमाज में शामिल हो दाखिल हो और फिर उसकी नमाज में इत्मीनान ना हो ज़रूरत का एहसास वो हाजत का एहसास उसको नमाज में बेचैन कर दे या इत्मीनान में रुकावट पैदा कर दे तो शरीत ने यह तालीम दी है कि नमाज से पहले हर नमाजी अपने आप को ज़रूरतों से हाजरतों से फारिग कर ले अभी जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है उसमें नबी करीम सलातम ने एक हालत का तस्करा किया है और कहा है कि ऐसी हालत में आदमी नमाज में दाखिल ना हो वो हालत क्या है वो ये है कि आदमी को पेशाब और पखाना लगी हो और आदमी रोके हुए हो और उसी हालत में वो नमाज में दाखिल हो जाए तो नबी करीम सलातम ने कहा कि नमाज़ी को चाहिए कि वो नमाज से पहले पेशाब और पखाना से फारिग हो जाए ये बताने की ज़रूरत मैंने इसलिए महसूस की कि कुछ दिनों पहले वज़ू खाने में एक बात ऐसी आई कि एक साहब जो है वो लाइन पे लगे हुए थे तो कोई बाद में आया तो उन्होंने कह दिया कि आप चले जाइए मैं जो है काबू कर लेता हूँ मैं कंट्रोल कर लेता हूँ और मैं बाद में कर लूँगा नमाज के बाद नमाज का वक्त हो गया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये जानने की ज़रूरत है ये जानना चाहिए कि आदमी पेशाब और पैखाना की हाजत को लिए हुए नमाज़ ना पढ़े नबी करीम सलातम ने मना किया है अल्लाह के विसन फ़रमाते हदीस देखिए पर माता की ला सला तब भीजरत तामिन कि कोई नमाज ना पढ़े नमाज ना पढ़े इस हाल में कि उसके सामने खाना हो एक आदमी है भूख की शिद्दत है और उसके सामने खाना आ गया अब अगर भूख को लिए हुए भूख की शिद्दत के साथ वो नमाज में जाएगा तो नमाज़ में खुशू कहाँ खुशू कहाँ से होगी उसकी नमाज में उसकी नमाज में इतमान कहाँ से पैदा होगी उसका दिल तो खाने की तरफ होगा उसका दिल तो भूख की तरफ और खाने की तरफ जो है लगा हुआ होगा ना उसकी नमाज में इतमान है न खुशी और खुश हुए तो नबी करीम ने कहा कि लाला ला तजरत तो आमिन कि एक आदमी अगर भूख की शिद्दत महसूस कर रहा है उसके सामने खाना है तो वो खाना खा ले हाजत के बक़द्र वो खाना खा ले और खाने के बाद जब भूख की शिद्दत ख़त्म हो जाए तो फिर वो नमाज़ के लिए चला जाए अब ज़रूरत के बकद्र खाना है ऐसा नहीं कि आदमी नमाज का वक्त हो गया है एकमत करीब है नमाज़ बिल्कुल जमात खड़ी होने वाली है और आदमी जो है बिल्कुल बादशाह सलामत की तरह और बिल्कुल ठाट बाट के साथ खाए जा रहा खाए जा रहा है ज़रूरत के बदर इतने कि भूख की शिद्दत ख़त्म हो जाए नमाज़ में आपको खाने का एहसास ना हो दूसरी चलान में फरमाया वला हुआ युदाफी अलहबसान और ऐसी हालत में वह नमाज ना पढ़े कि वो दो खबीज चीज़ों का दिफा कर रहा हो यानी वो दो खबीज चीज़ें क्या है पेशाब पैखाना का दिफा कर रहा है कंट्रोल कर रहा है और नमाज में बिल्कुल रोके हुए है नमाज में बिल्कुल कंट्रोल किए हुए दिल नमाज की तरफ़ नहीं नमाज़ में इतमी नहीं है बल्कि क्या कर रहा है वो पेशाब पैखाना का दिफा कर रहा है लगी हुई ज़ोर से आदमी ज़ाहिर सी बात है एक आदमी को पेशाब पैखाना लगी हुई है नमाज़ में तो कहाँ से वो नमाज़ में सुकून आएगा इतमान कहाँ से आएगा तो नबी करीम ने कहा कि आदमी नमाज से पहले पेशाब और पाखाना से फारु हो जाए खसूसा इस बात की ज़रूरत एक चीज़ महसूस की गई कि ठंडी के मौसम में एक आदमी घर से वजू करके आ गया मस्जिद गर्म पानी से वज़ू करके आया हुआ है ठंड के मौसम में आम पर होता है अब घर से मस्जिद आया हुआ है अब मस्जिद में ठंडा पानी है अब आदमी क्या करता है दोबारा वज़ू करने की जहमत गहरा नहीं करता है कि अब घर गर में गर्म पानी से वजू करके आए हैं अब कौन जाएगा चलो शामिल हो जाते हैं तो ये नबी करीम सलाम की तालीम है हर नमाजी के लिए कि नमाज़ से पहले वो अपनी ज़रूरत से पेशाब पैाना से फारिग हो जाए अल्लाह ताला मुझको और मेरे भाइयों हम सबको अमल की तोसूक़ अदा फ्रमाएँ आमिर वरहि वरक ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकल्लान